जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कलरी मर्म प्रयोग को करना है। मर्म प्रयोग को करके किस तरीके से आप किसी को मूर्छित कर सकते हो, और इसी प्रयोग को मैं एक मुर्गी के ऊपर करके आपको दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि इस मर्म पॉइंट को दबाने से क्या वो मुर्गी बेहोश होती है या नहीं, ये सारी चीजें थोड़ा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे आज। कलरी मर्म प्रयोग किसी को बेहोश करने के लिए किस तरीके से करते हैं, या कलरी मर्म अटैक किस तरीके से होता है, तो ये चीजें हम इस मुर्गी के ऊपर आपको प्रयोग करके दिखाएंगे। एंड हाउ टू डू यू नो कलरी मर्म अटैक टू फेड अ पर्सन। सो टेक्निकली प्रैक्टिकली इस मुर्गी के ऊपर किस तरीके से हम इसको मर्म प्रेशर पॉइंट को दबा के इसको बेहोश करेंगे करके देखते हैं। ये सो गई है बिल्कुल, इसको दोबारा रिवाइव करेंगे आप। सेम स्टार्टिंग कंफर्टेबल, नो इश्यूज। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से मुर्गी के प्रेशर पॉइंट को दबाने से मुर्गी बेहोश हो गई, और दोबारा जब उसको रिवाइव किया तो वो ठीक हो गई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी आपने देखा ये कोई मर्म प्रयोग नहीं है। दिस वॉज अटर फूलिशनेस, ये बिल्कुल बेवकूफी है जो अभी आपने यहां पे देखा, ये कोई मर्म प्रयोग नहीं है। आज की डेट में अगर आप इंटरनेट में देखेंगे कई सारे वीडियोस पक्षियों के ऊपर, खरगोश के ऊपर, तो इसके ट्रैप में ना पड़े, या ऐसा लगना नहीं चाहिए आपको कि दिस वॉज राइट। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वीडियोस मैंने देखा यूट्यूब पे, इंटरनेट में, उस वीडियोस पे काफी अच्छी तरीके से लाइक्स आए हुए हैं और बहुत ज्यादा व्यूज आए हुए हैं। बहुत सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स में आप लोग ये पढ़ देता हूं कि लोग इसको सुन के क्या एक्सपीरियंस करते हैं या क्या फील करते हैं उसको देख के, उस वीडियो को देख के। यू आर जीनियस, वाओ, इंग्लिश मैन विल पे मिलियन डॉलर ऑन दिस बट इंडियन गवर्नमेंट इज नेग्लेक्टिंग इट। उस बच्चे को ये लगता है कि इंग्लिश मैन यानी फॉरेनर्स इस वीडियो इस जो विधि है उसके लिए काफी मिलियन डॉलर पे कर सकते हैं। ने ये भी कमेंट किया हुआ कि he is chanting mantras and abusing animals, what a devotee। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इन चीजों को समझ लेते हैं कि ये कुछ है या नहीं, क्योंकि इस वीडियो में यही हुआ है, वो रुद्राक्ष वगैरह पहन के मंत्र वगैरह जपते हैं और उसके साथ इस चीज उभरते हैं। ट्रू, ये चीज समझना चाहिए कि इस बच्चे ने इस चीज को पकड़ लिया है कि हाँ, there's something wrong with this। तो ऐसे लोग ऐसी चीजें नहीं करते हैं, इन चीजों को नहीं करते। कहने का मतलब ये कि एक रॉन्ग वीडियो के बहुत सारे जगह पे फैल जाने से इसका क्या नुकसान पहुंचता है। एक काफी एक जनरेशन जो बच्चे हैं वो मिसगाइडेड हो जाते हैं इन चीजों से, उनके दिमाग में अलग अलग परसेप्शन होता है, तो वो इन सब चीजों को लर्न करके। बट फ्रेंकली ये सब चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, इसको समझना चाहिए। ये जो चीज इंटरनेट में लोग देख रहे हैं, मैंने कई वीडियोस देखे जो लोग ऐसे जीवों के ऊपर प्रयोग करते हैं, उनको दर्द पहुंचाते हैं। जो आज मेरे द्वारा यहाँ पे हुआ उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ कि
उस पक्षी के ऊपर मुझे इस तरीके से करना पड़ा, इवन दो दैट वॉज नॉट दैट मच पेनफुल, बट अगेन मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये जो हुआ ये क्या था, गर्दन में एक आर्टरी है, इट्स कॉल्ड कैरोटिड आर्टरी। जो कैरोटिड आर्टरी का काम होता है ब्रेन में ऑक्सीजन को लेके जाना। अगर हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा या लैक ऑफ ऑक्सीजन पहुंचेगा तो हमारा बॉडी और ब्रेन काम करना बंद कर देता है। और वो आर्टरीज होते हैं इस जगह, ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ह्यूमंस के या किसी भी जीव की जो गर्दन होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। इस आर्टरी को ज्यादा देर तक कोई दबा के रखता है तो ऑक्सीजन जो ब्रेन पे जाता है वो स्ट्रोक हो जाएगा, वो वहां पे ब्लॉक हो जाएगा जिससे फेल होने का चांसेस होते हैं, वही आपने यहाँ पे नहीं देखा। तो ये जो आर्टरी होता है वो इतना लंबा होता है, आप अगर गर्दन में, जरूरी नहीं है कि आपको यही दबाना है, आप यहाँ भी दबाओगे कहीं भी दबाओगे तो वो आज भी फेंट होगा। अगर मैं भी किसी का गर्दन दबाऊंगा या तुम भी किसी को गर्दन को दबाओगे थोड़ी देर ऐसे रखोगे तो वो बंदा भी फेंट होगा, वो मूर्छित हो जाएगा, वो ऐसे लगेगा कि मामला खराब हो गया, वो थोड़ी देर में उसको अगर आप दोबारा उसका रिवाइवल करोगे जिस तरीके से आपने मुर्गी के ऊपर देखा वैसा रिवाइवल नहीं होता ह्यूमन्स के ऊपर। ह्यूमन्स को वो वापस उसके ब्रेन में ऑक्सीजन लेके जाने के लिए उसको उसी पोर्शन में लेटाना पड़ता है, दैट इज अ डिफरेंट पोर्शन, तो वो वापस जो है सर्वाइव होता है। सिर्फ यही चीज था कि कैरोटिड आर्टरी को दबा दिया गया। अब कलरी में जो मर्म होता है गर्दन पे या नेक एरिया में, दो मेजर मर्म से जो हमारे गर्दन के पोर्शन में होते हैं, नीला मर्म, मालनीय मर्म, ये ऐसे ये जो नाम मैंने आपको मर्म का जो नाम बताया मैंने आपको, ये संस्कृत में इसका नाम है, ये हर लैंग्वेज में मर्म का नाम अलग होता है। जो मैंने बताया मान्य मर्म और नीला मर्म, अगर इसके ऊपर क्षति पहुंचाते हो तो सिर्फ बेहोशी नहीं होते या सिर्फ फेंट नहीं होते, वो पूरा जो हेड है उसके फंक्शंस को चेंज कर देता है, उसके फंक्शंस को होने नहीं देता। क्यों? इसलिए होने नहीं देता क्योंकि मर्मा का, अगर हम शॉर्ट में आपको बताओ कि मर्मा होता क्या है, मर्मा एक ऐसा बिंदु होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो हमारे शरीर में कनेक्टिंग जंक्शन बोल सकते हैं आप, इस पोर्शन को इस पोर्शन से कनेक्ट कर रहा है, यानी कि मेरे शोल्डर को मेरे हाथ से कनेक्ट कर रहा है, तो इसके बीच का जो कनेक्टिंग जो जंक्शन है उस जंक्शन में ये मर्मा होते हैं। तो अगर सपोज अगर मेरे आर्म्स के यहाँ पे या मेरे शोल्डर के यहाँ पे जो मर्मा है उसको अगर क्षति पहुंचेगी तो उससे क्या क्या होगा, उससे मेरे हाथ शायद काम करना बंद हो जाएगा, नंबनेस आ जाएगा, पैरालाइज काइंड ऑफ फीलनेस फील आ सकता है, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से रुक सकता है, क्योंकि यही उस मर्मा पॉइंट का काम है। उसी प्रकार से जो मान्य मर्मा है, अगर उस मान्य मर्मा में क्षति पहुंचता है तो क्या हो सकता है, आपको विजन आपका चेंज हो सकता है, आप जो बोलोगे वॉइस आपका कभी चला जाता है या जो आप बोलोगे वो समझ में नहीं आता, अगर आप कुछ खाओगे कुछ पियोगे तो उसके टेस्ट को फील नहीं आता, ये सारी चीज जो मैंने आपको साइड इफेक्ट बताया ये उस मर्मा पे मान्य मर्मा या नीला मर्मा इसमें क्षति पहुंचने से होता है। ऐसे नहीं होता कि सिंपली आप फेल हो गए और आपको ऐसे किया और ये जो मर्मा है जो इंटरनेट पे आपने देखा है, इन सब चीजों को अगर कोई रिसर्च करेगा या कोई जो बंदा थोड़ा ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में समझता होगा वो जब इसको देखेगा तो उसको वो बहुत इजीली इसको समझ जाएगा कि ये सारी चीजें फेक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो संस्कृति है या हमारी जो मर्मा की जो गरिमा है या जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारे ओल्ड एजुकेशन, जो हमारे टेक्स्ट, जो भी चीजें हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया है वो सारी चीजें फेक हो जाएगा। इससे वो लोग बोलेंगे इनके पास कुछ है ही नहीं, जब ये ऐसे कर रहा है तो पीछे भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमें राइट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया ये सारी चीजें मर्मा नहीं है, मर्मा का काम होता है, मर्मा का प्रयोग होता है, हील भी होता है मर्मा से, क्षति भी पहुंचाते हैं मर्मा से, ये सारे काम मर्मा के होते ही है, लेकिन ये जो चीजें आप देख रहे हो ये सब कोई मर्मा नहीं है। सो
मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि दिस ऑल थिंग्स इज नॉट अबाउट मनी, और इन सब चीज़ों के पीछे आप लोग ऐसी चीज़ें जब आप देखेंगे तो उसको पूरा रिसर्च कीजिए उसके ऊपर, उसके बाद ही उसके ऊपर विश्वास कीजिए। सो दोस्तों यही चीज़ था मुझे आज आप लोगों को बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। और ये जो कलरी केंद्र दिल्ली के नाम से हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं ये दिल्ली और NCR में चलाते हैं, नोएडा में भी चलाते हैं। धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि यहाँ के लोगों को इस मार्शल आर्ट के बारे में अच्छी तरह समझाया जा सके। मैं चाहता हूँ कि कलरी पेंट सिर्फ केरला में सीमित ना हो लेकिन बाहर भी आए। किसी को भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा या एजुकेशनल लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जो लोग इस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं या जो लोग इस कलरी पेंट को पसंद करते हैं या मार्शल आर्ट को पसंद करते हैं उन बच्चों तक ये वीडियो को पहुँचाएँ और इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।